सबसे पहले आपको मैं अपना कॉस्मेटिक आइटम्स पूरा दिखा देता हूँ कि कौन सा मैं आइटम रखा हूँ। और आप भी यदि आप कॉस्मेटिक का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अपना एरिया के हिसाब से आप कॉस्मेटिक आइटम्स अपने दुकान में रख के बिक्री कर सकते हैं। यानी कि कॉस्मेटिक का बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं तो बहुत ही कम लागत में आप कॉस्मेटिक का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इससे पहले आपको मैं अपना कॉस्मेटिक का जितना भी आइटम्स मैं अपना शॉप में रखा हूँ उसको आइटम्स दिखा देता हूँ कि क्या क्या आइटम्स मैंने प्रेजेंटली आप बुक किए हैं। यदि कि आपको कॉस्मेटिक आइटम्स रखने में परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कॉस्मेटिक आइटम्स के बारे में आप हमसे जानकारी ले सकते हैं, पता कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये सारा आइटम्स है कॉस्मेटिक का, मैंने अपना एरिया के हिसाब से कॉस्मेटिक आइटम्स रखा हुआ है। जैसे कि तेल हो गया, क्रीम हो गया, फेम हो गया, एमोलिया का स्प्रे हो गया, यानी कि दूध बच्चे लोग का दूध हो गया, ये सब आप अपने एरिया के हिसाब से रख सकते हैं कि आप किस एरिया में बिजनेस कर रहे हो और उस एरिया में कौन सा कॉस्मेटिक आइटम जो है डिमांडिंग है। तो उसी तरह का आप डिमांडिंग कॉस्मेटिक आइटम आप अपने शॉप में रख कर आप अच्छी तरह से कॉस्मेटिक का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको काफ़ी कम लागत में आप कॉस्मेटिक का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा इसमें कमा सकते हैं। तो मेरे जैसे एरिया में जो जो कॉस्मेटिक आइटम बिक्री होता है वो सारा आइटम्स मैंने यहाँ में रखा हुआ है अपने शॉप पर और काफ़ी अच्छा चलता है। और इसमें कॉस्मेटिक आइटम में सबसे ज़्यादा तो यही बात होता है कि इसमें आपको मोल मलाई करने का कोई जरूरत नहीं होगा। बाकी सारा बिजनेस में आप देखे होंगे कि मोल मलाई बहुत सारा होता है, कॉस्मेटिक आइटम्स में मोल मलाई नहीं होता है। आप कहीं भी परचेस करते हैं कॉस्मेटिक आइटम देखते हैं कि सीधा जो प्रिंट होता है, जो भी प्रिंट होता है प्रिंट के हिसाब से आप ले जाते हैं कॉस्मेटिक आइटम। और कॉस्मेटिक आइटम में कोई भी मोल मलाई नहीं होता, आप आराम से इसको सेल कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं कॉस्मेटिक आइटम्स में। इसको यदि आपको अच्छी तरह से होलसेल रेट पता चल जाए कि आप किस तरह का कॉस्मेटिक आइटम्स बाय कीजिएगा तो आपको उसमें फ़ायदा होगा। आप अपने एरिया के हिसाब से कॉस्मेटिक आइटम्स बाय कीजिएगा कि आपके एरिया में जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट चलता है, यानी जो भी क्रीम पाउडर लैक्मी का हो गया, फेस वॉश हो गया, तेल हो गया, जो भी चलता है ये सब तो नॉर्मली है। और भी बाहर का देश का बाहर का लड़का लोग जो भी आता है, बाहर का आदमी लोग जो भी आता है, वो अलग अलग प्रोडक्ट को खोजना पसंद करता है, बाय करना पसंद करता है। तो आप अपने एरिया के हिसाब से आप अपने शॉप पर कॉस्मेटिक आइटम्स रख सकते हैं और उस काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो मेरे दुकान में जिस तरह का कॉस्मेटिक आइटम्स हैं ये मेरा एरिया का हिसाब से है और इस एरिया का हिसाब से मैं रखा हूँ तो सारा आइटम्स चलता है यहाँ पर। यहाँ पर सारा आइटम्स चलने के बावजूद कोई भी मोल मुलाई नहीं होता है। सबसे परचून का आइटम जो भी है, परचून का आइटम में चाहे कोई भी आप प्रोडक्ट बेचते हैं, कोई भी किसी चीज़ का प्रोडक्ट बेचते हैं बिना MRP वाला, उसमें सबसे ज़्यादा मोल मुलाई होता है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि आपको कॉस्मेटिक आइटम में कोई भी मोल मुलाई नहीं होगा। कोई भी आदमी आएगा किनने के लिए आपका दुकान में परचेस करने के लिए आएगा, सीधा प्रिंट रेट देगा और वो चला जाएगा। इसमें आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा हो जाता है। तो इसको वन बाय वन मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप किस प्रोडक्ट का कितना MRP है और कितना इसका होलसेल रेट पड़ने वाला है। होलसेल रेट का आप एरिया के हिसाब से भी होलसेल रेट का अंतर कुछ 1 रुपया 8 अना का आसपास में अंतर होता है और इसमें काफ़ी अच्छा मुनाफा आप कर सकते हैं। इसमें कोई भी मोल मुलाई नहीं है। जो भी दूसरा दुकान में आप देखते होंगे, दूसरा प्रोडक्ट देखते होंगे बिक्री करते हुए, उसमें हर चीज़ में मोल मुलाई होता है, मगर यही एक ऐसा चीज़ है, ऐसा प्रोडक्ट है कि आप कहीं भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और इससे अच्छा खासा आप मुनाफा कमा सकते हैं। और आपको कोई कस्टमर को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से वो नाम बोलेगा, नाम बोल के सामान ले जाएगा, परचेस करेगा और आप अच्छे रेट में अच्छा से इसको परचेस करके इसको सेल कर सकते हैं। तो चलिए आपको वन बाय वन सारा प्रोडक्ट का नेम और उसका MRP क्या है, कितना MRP है उसका और क्या उसका होलसेल रेट है, वो होलसेल रेट आपको मैं बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, अब आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में मैंने जितना भी आपको कॉस्मेटिक आइटम्स आपको दिखाया है सबको, तो आपको इस वीडियो में मैं आपका इसका प्राइस, इसका MRP क्या है, उसका होलसेल MRP क्या है वो तो सारा नहीं बता सकेंगे, मगर एक दो बता देंगे आपको। और जो भी आपको अगर लगे तो आप इस वीडियो को स्क्रॉल करके देख सकते हैं और वहां से हमको कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं कि उस MRP उस प्रोडक्ट का MRP कितना है। तो इस तरह अगर ज़्यादा अगर सबका हम कवर करने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा 2-3 कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को लेकर, उसका MRP बताऊंगा और उसका होलसेल रेट बताऊंगा। और यदि जो भी आपको वीडियो में जो भी प्रोडक्ट का पसंद आए तो उस प्रोडक्ट को आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप टाइप करके पूछ सकते हैं कि उसका होलसेल रेट क्या है। चलिए आपको एक दो प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं उसका MRP क्या है और उसका होलसेल रेट क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेसा ऑयल से।
ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये सेसा ऑयल है और ये है 140 रुपीज़ का ये ऑयल है। ये ml है, ml आपको बता देते हैं कि कितना ml का है। ये है आपको 100 ml का, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है 100 ml का। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा पर मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर ये 100 ml का है और ये है 140 रुपीज़ का। इसका MRP दिया हुआ है 140 रुपीज़ और ये आपको होलसेल रेट में केवल 95 रुपया में, यानी कि 95 रुपीज़ में ये आपको परचेस कर सकते हैं। होलसेल रेट में केवल 95 रुपया में ये आपको मिल जाएगा। यदि आप ज़्यादा परचेस करते हैं, कार्टून परचेस करते हैं, तो इसमें और भी काफ़ी अच्छा मुनाफा आपको मिल जाता है और इससे आप अपना बिजनेस काफ़ी अच्छा से स्टार्ट कर सकते हैं। कॉस्मेटिक का आइटम में आप जानते हैं कि कहीं भी जाते हैं आप तो इसका कोई भी मोल मुलाई नहीं होता है, इसका फिक्स एक प्राइस होता है कंपनी की तरफ से। कोई भी कस्टमर आएगा, इसका MRP पूछेगा, MRP पूछ के और आपको पैसा देगा और वो चला जाएगा। चलिए सेकेंड आपको बता देते हैं केस किंग के बारे में। केस किंग आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 2X और केस किंग ऑयल है, आयुर्वेदिक ऑयल है ये। इसका MRP आपको दिखा देते हैं, MRP इसका लिखा हुआ है 160 रुपीज़ इसका MRP है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 160 रुपीज़ MRP है। और ये कितना ML का है आपको बता देते हैं, ये ML है आपको 100 ML, यहाँ पर लिखा हुआ है 100 ML, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 ML लिखा हुआ है और इसका MRP दिया है 160 रुपीज़। ये आपको होलसेल रेट में केवल 115 रुपीज़ में मिल जाता है। आप कहीं भी जाकर परचेस कर सकते हैं, किसी भी होलसेल दुकान, जब भी आपका नज़दीकी एरिया में होलसेल दुकान है वहाँ पर जाकर आप इसको परचेस कर सकते हैं। कार्टून लेने पर आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा में इसको मिल जाएगा और आप कॉस्मेटिक का बिजनेस काफ़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं और इसमें काफ़ी अच्छा मुनाफा है और अच्छे से परचेस करके आप इसका बिजनेस करने में बहुत ही अच्छा होगा आपको। आप एक ही महीने में देखिए काफ़ी अच्छा ग्रोथ होगा। और जो भी आप प्रोडक्ट को बाय कीजिएगा, आप अपना एरिया के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट को बाय कीजिएगा कि उस एरिया में आपको बेचने में आसानी हो। चलिए तीसरा आपको प्रोडक्ट दिखा देते हैं, आपको तीसरा प्रोडक्ट आपको दिखा देते हैं, जिससे कि ये देख सकते हैं हमारे हाथ में डावर आमला हेयर ऑयल है। यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ल्ड्स नंबर 1, यानी कि वर्ल्ड्स नंबर 1 हेयर ऑयल है, डावर आमला हेयर ऑयल है। ये है 450 ml का, 450 ml का है। इसका MRP दिया हुआ है 199, इसका MRP दिया हुआ है 199 और ये आपको मिल जाएगा केवल 175 रुपया में। ये आपको केवल मिल जाता है 175 रुपया में। किसी भी होलसेल दुकान में आप जब भी परचेस करने जाए वहाँ पहले वहाँ का होलसेल रेट क्या है वो पता कर ले, उसके बाद में किसी चीज़ को परचेस करे, सिंगल रेट पता कर ले और उसके बाद कार्टून का रेट पता कर ले। कार्टून आपको काफ़ी अच्छा रेट में मिलेगा और सिंगल रेट काफ़ी एक रुपये के आसपास में अंतर होगा और कार्टून लेने पर आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप करके पूछ सकते हैं कि इसका होलसेल प्राइस क्या है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।